दोस्तों मैंने कई सारे वीडियो बनाए, लेकिन आज का वीडियो स्पेशल है और काफी ज्यादा हॉरर है। हाँ, क्योंकि आज का इस वीडियो होने वाला है भूतिया कार के ऊपर। ये वीडियो देखने के बाद शायद तुम रात में सुसु को नहीं जा पाओगे, शायद बिस्तर में ही निकल जाए। हाँ जरूर, कान में हेडफोन या एयरफोन लगा लो, क्योंकि उससे ज्यादा मजा आता है हॉरर चीजें सुनने में। लोरा भूतिया कार, ये कार के ऊपर कई सारे फिल्में बन चुकी है, कई सारे कहानियां बन चुके हैं, कई सारे वीडियोस बन चुके हैं। आज का वीडियो इसी कार के बारे में होने वाला है, क्यों लोग इस कार से आज भी इतना ज्यादा डरते हैं, क्या ये कार सच में हॉन्टेड है या फिर नहीं। ये कार की स्टोरी जानने से पहले हमें जाना होगा इसके पीछे वाले स्टोरी में, क्योंकि वहीं से हमें मिलेगा इसका असली राज। तो वीडियो के एंड तक बने रहो। हेलो दोस्तों, मैं हूं अलादीन और आप सभी का स्वागत है अलादीन रॉयल चैनल में। ये बात करीब आज से 10 साल पुरानी है, जहाँ पर एक घर में कपल रहा करते थे, साथ में उनके दो बेटियाँ भी थे। वो कपल के बेटियों का नाम था, एक का नाम था अलीजा, एक का नाम था लीजा। लीजा अलीजा के पापा उसके मम्मी को कई ज्यादा मारा करते थे। उनके मम्मी का नाम था संतोरिया। लीजा अलीजा के पापा की मम्मी की नहीं बनती थी, उसके पापा रोज रात को शराब पी के आकर उसके मम्मी को मारते थे। लेकिन एक रात संतोरिया के हस्बैंड ने हदी पार कर दी। वो शराब की हालत में सेंटोरिया को जान से मार के उसके छोटे छोटे टुकड़े करके कार में डाल कर कहीं चला गया। ये देखकर उसके दो बेटियां लीजा और अलीजा बहुत ज्यादा घबरा गई। फिर पुलिस को इसके बारे में पता चला, तो पुलिस ने सेंटोरिया के हस्बैंड को उम्र कैद की सजा सुना दी। उसके पति को सलाखों के पीछे डाल दिया, जिस कार में सेंटोरिया के पति ने उसको टुकड़े टुकड़े करके मार के उस कार में डाला था। वो कार 10 साल के बाद किसी और बंदे ने खरीद ली थी। जिस बंदे ने उस कार को खरीदा था, उस बंदे ने बताया, जब से उसने उस कार को खरीदा उसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। एक दिन वो लोग वेकेशन बनाने के लिए कहीं बाहर जा रहे थे। देखा जाए तो रास्ता काफी लंबा था, उन्हें 6 घंटे ड्राइव करके जाना है। वो हस्बैंड और वाइफ थे, साथ में उनकी 5 साल की छोटी सी बेटी थी। रास्ते में उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगी, यानी कि भूतिया हरकतें। कार की स्टीयरिंग कहीं से पलट जा रही थी या रास्ते में कुछ उन्हें ऐसा दिखाई दे रहा। मेन मुद्दा यहाँ पर ये आता है दोस्तों, उसके बाद आज तक उनका कोई पता नहीं चला। वो लोग कहाँ गए, कहाँ पर है, इसके बारे में आज तक बिल्कुल भी पता नहीं चला। पुलिस ने इसके बारे में छानबीन की तो 3 महीने के बाद उन्हें कार जंगल के अंदर मिली। जब पुलिस ने कार के पास जाकर कार को देखा तो पुलिस हैरान हो गई, क्योंकि कार को कुछ भी स्क्रैच या कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। लेकिन वहां पर पुलिस को उस फैमिली का कुछ भी अता पता नहीं मिला कि वो कहाँ है। कार के पास भी वो लोगों ने देखा, लेकिन उनको वहां पर भी वो लोग नहीं मिले। कुछ लोगों का ये मानना है कि उस कार का एक्सीडेंट हुआ था, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उस कार वाली आत्मा का किया धरा है। सब लोग यही बोलते हैं कि उस कार के अंदर उस सेंटोरिया की आत्मा है, जिसके पति ने उसको मार के उस कार के अंदर टुकड़े टुकड़े करके रख दिया था। आज भी उस कार के पास जाने से कोई भी डरता है। अगर आप उस कार के पास जाओगे तो आपको दिखेगा एक प्यारा सा मौत का फरिश्ता। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय जरूर देना। जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा देना।